बिहारी जी महाराज की, वृंदावन चंद्र जी की, समस्ताचार्य रंजन की, गुरुदेव शरणारविंद की, श्री रंगीले हरि हरि, जय जय श्री हरिदास। प्रेमी रसिक वृंद, हरि भक्ति परायण अथवा रसिकन के चरणन में अनन्य आश्रय रखे वाले रसिक जन, आप सबको हम हमारो तुम्हारो सबको परम सौभाग्य, परम कृपा, अनिर्वचनीय कृपा, अहेतुकी स्वामी जी महाराज की कृपा, जो अनन्य भाव के रस रहस्य को श्रवण कर रहे हैं, ये अनन्य भाव की चर्चा सुनने को नहीं मिले है। बहुत कृपाती मिले है, बहुत कृपाती, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं वार्ताएं ठाकुर जी की चर्चा बहुत प्रकार से मिल जावे है, लेकिन इष्ट के चरणन में अनन्य भाव होनो कैसे हुए वो व्याख्यावत, ये सुनो ये समझनो ये मिलनो अति कठिन है। अनेक प्रकार के सिद्धांत प्राप्त होते हैं, लेकिन धन्य है रसिक जन, रसिक अनन्य उपासिका जिते दास श्री हरिदास, तिन तिन की ले चरण रज सिर धरी बिहारी दास। श्री स्वामी व्यारंदे जी महाराज कहमे अनन्य भाव की गरिमा महिमा बताते हुए कि स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को जिन्होंने आश्रय लियो है, रसिक अनन्य उपासिका, जो रसिक अनन्य श्री स्वामी जी महाराज के उपासक हैं, रसिक अनन्य भाव के उपासक हैं, जितने दास हरिदास, जितने भी स्वामी जी के दास, तिन तिन की ले चरण रज, उनकी मैं चरण रज लेके सिर धरी बिहारी दास, अपने शीश पे चढ़ाऊं, ऐसे गुरुन के गुरु रसिकन के रसिक प्राण धन श्री बिहारिंदु जी महाराज कह रहे हैं, एड़ो एड़ो फिरे विपुल बल रसको पिए, बानी जाकी सुनत छूटत सब साधन ही, कुंज विहारी बर विहार कुंजन बस गायो, यह बल गर्जत रहो लर्ज रसकन सिर नायो, रस भूमि उपासक रह सिको ऐसो को है सुबट, सपूत पूत श्री हरिदास को श्री बिहारी दास अनन्य मुकुट। गुरु बिहारिंदेव जी महाराज, ये बिहारिंदास जी महाराज अनन्य मुकुट है, अनन्य जन के मुकुट स्वरूप है, ये सपूत पूत श्री हरिदास के वो कह रहे हैं इस बात। तिन तिन की ले चरण रजो सिर धरी बिहारी दा, जाके सुख संपत अपार छवि श्यामा श्याम, बारों सप्ताह पर विभूति सुर ताज की, कबहू के नैन मूंद खोले पुन बोले मैन, आनन अनूप जीती आवा ध्वजराज की, छके तो छबिल छैल डोलत निकुंजन में, प्राण के समान मानी रज बनराज की, रसिक अनन्य जन धावत बिलोक बेकू, और ये धारी है बिहारी दास गत गजराज, ऐसे श्री स्वामी बिहारेन्द्र जी महाराज, एकमात्र जिनकी रीति रहनी साधना उपासना दृढ़ता अनन्यता या प्रकार की थी, धारी है बिहारी दास गति गजराज की, सिंहवत सिंह की सी अथवा हाथी मस्त हाथी की सी गति, ऐसी जो महाराज किसी तरीके से
टलना नहीं, ढीला नहीं, को बाने कोटिक करे तो या व्रते न टरो। महाराज कह रहे हैं कोई करोड़ों बाणिक बनावे मेरे को टराने के हटाने के, लेकिन स्वामी जी के अखंड व्रत से हम टरने वाले नहीं है। भीड़ तुम बढ़े चलो, भीड़ तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो चाहे सिंह की दहाड़ हो। बोलो यार जी महाराज, ऐसे सूरवीर श्री स्वामी विहारेन्द्र जी। संसार में भी सूरवीर थे, प्रधान सेनापति, एक राज्य के राजा, उस समय भी सूरवीर थे। मृत्यु स्वीकार कर ली, लेकिन तिलक हटाना स्वीकार नहीं किया। विहारेन्द्र जी महाराज के चरित्र में आता कि मुझे फांसी की सजा स्वीकार है, लेकिन जो स्वामी जी का तिलक है, आचार्यों का, गुरुजन का दिया हुआ तिलक है, कंठी है, मेरे मत का शुद्ध भाव है, बिहारी विहारी के मिलने का जो रास्ता है, ये चिन्ह हटाना मुझे स्वीकार नहीं। ये कह दिया गया ऐसे सूरवीर विहारेन्द्र जी महाराज की वाणी है। एंडो एंडो फिर विपुल बल रसको पी, और वाणी जाकी छूटत सुनत छूटत सब साधन ही। विहारेन्द्र जी महाराज की वाणी सुनते ही सारे शुष्क साधन परायण कर जाते हैं, भाग जाते हैं। नाना प्रकार की क्षुद्र उपासनाएं, क्षुद्र देवताओं की उपासनाएं सब पलायन कर जाते हैं। कोई कहीं बीज अंश मात्र रह नहीं पाता है। ऐसे श्री स्वामी विहारेन्द्र जी महाराज की वाणी आप लोग श्रवण कर रहे हैं पूर्व समय से, जब तक जब वाणी श्री गुरुदेव की। विहारेन्द्र जी महाराज को गुरुदेव जी की उपाधि से वृंदावन धाम में समकालीन महानुभावन ने अलंकृत किया। गुरुदेव जी कह के बोलते थे विहारेन्द्र जी महाराज से, श्री गुरुदेव, क्योंकि वो कार्य करके दिखाया, इसलिए सबके गुरु, उनके गुरु स्वामी जी तो थे ही, लेकिन उनके प्राशिष्य नाती चेला श्री स्वामी विहारेन्द्र जी महाराज। विपुल विहारेन्द्र गुरु निष्ठा की भूप, चहो न हरि को, श्री स्वामी हरिदास बिन चहो न हरि को। ऐसे स्वामी जी के निष्ठा के गुरु शरणों के भूप थे, राजा थे, ऐसी उपासना करते। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हो गए, अंतरहित हो गए, परोख रूप में हो गए, बिहार जी महाराज के भी दर्शन नहीं कर पाए। बीठल देव जी महाराज आंखों से पट्टी बांध ली नहीं, अब कुछ नहीं देखना है हमको, स्वामी जी नहीं है, अब कुछ नहीं है, आंखों से पट्टी बांध ली नहीं बीठल देव जी महाराज ने। और सातवें दिन नित्य निकुंज में सदेह चले गए, लेकिन किसी को देखा नहीं। ऐसे श्री बीठल देव जी महाराज, स्वामी जी के अलावा हम किसी को नहीं। धन्य हो श्री विठल देव महाराज और धन्य हो श्री स्वामी विहारेन्द्र जी महाराज। ये सूरवीरों का रास्ता है प्रेमी जनों, एक बार स्वामी गुणगाय तो आवागमन धर्म। तो ऐसे श्री स्वामी विहारेन्द्र जी महाराज हम दासन को अनन्य भाव को निरूपण कर रहे हैं बार बार। तो तिन तिन कीले चरण सिर धरी विहारेन्द्र, तो विहारेन्द्र जी महाराज कह रहे हैं जो रसिक अनन्य स्वामी जी महाराज के उपासक हैं चरणों के, मैं उन दासन के चरण रज को अपने शीश पे धरूं। धन्य है इनके भाग्य जिन्होंने स्वामी जी महाराज का वर्ण कर लिया। रसरी संप्रीत प्रतीत यही श्री विहारेन्द्र से जो बरी है, जिनके सुखसार विहार सही, सर श्री हरिदास की को करे। कर्म धर्म भक्ति मुक्ति एति मर जादाएं को तरि है, अंश कला अवतार नखे ब्रज के रस सिंधु को तरि रहे। रसरी संप्रीत प्रतीत यही श्री विहारेन्द्र से जो बरी है,
जिनके सुखसार बिहार सही सरसी हरिदास की को कहे। एकमात्र शुद्ध विहार है, परम नित्य विहार है, निपट विहार है, निर्बद विहार है, सर्वोपर नित्य विहार है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जिन्होंने सर्वोपर नित्य विहार को प्रकट कियो और यही रसिकन की रसदेन को प्रगटे रसिकानंद, सर श्री हरिदास की को कहे है, कौन स्वामी जी की बराबरी कर सके है। ऐसे स्वामी जी महाराज, ऐसे बिहारन देव जी महाराज, ऐसे श्री पीठल विपुल देव जी महाराज, प्रेमी रसिक जनों, ऐसे आचार्य के अनुगत दास हो तुम, इसलिए अपने आप को कहीं से ढीला नहीं करना है। सिद्धन के बच्चा सिद्ध और गिद्धन के बच्चा गिद्ध, तुम सिद्धों के बच्चे हो, रसिकों के सूरवीरों के बालक हो, तो सूरवीर ही बन के रहो, ढीला ढाली नहीं करनी। श्री हरदास, प्रेमी जनों, भक्ति भाव विश्वासन उपजे घर घर रसिक कहाई, बिनु अनन्य संसार सिंधु में फिर गोता खाई। श्री स्वामी नागर देव जी महाराज बिहारन देव जी महाराज के शिष्य आप कह रहे हैं, भक्ति भाव विश्वास ये उपजो ना है, इष्ट के प्रति अनन्य भाव भयो ना है, और रसिक की उपाधि कि हम रसिक हैं, कि हम भक्त हैं, अनन्य भाव है नहीं, भक्ति भावना है नहीं, विश्वास है नहीं इष्ट के चरण में। महाराज बोले, बिनु अनन्य संसार सिंधु में बार बार गोता खाओ। भैयाओ, अनन्य भाव नहीं हुआ तो बार बार जन्मना, बार बार मरना बना ही रहेगा, इष्ट की प्राप्ति तो होगी नहीं। और अनन्य भाव हो गया, इष्ट की प्राप्ति, जन्म मरण समाप्त, और अनेक अनेक प्राणियों के कल्याण करने को सौभाग्य स्वयं तुमको भी प्राप्त हो गया, अपनी कहा चलाई, अपनो जैसो ही बनाले में है आचार्य। स्वामी से स्वामी भई इन सम और न कोई, किशोर दास इन शरण थी इन्हीं समझन, अपने समान ही बनाले में है ये स्वामी जी उदार सुब्राह्मणी। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज अपनी पूजा विलास में कछु कह रहे हैं, आप प्रेमी जनों सुनो। अनन्य भाव के ही संबंध में ये सब श्रवण कर रहे हो आप। द्वे प्रकार हैं हरि की वाणी, एक वेद भागवत बखानी, वेद के था पेजे कर्म, ते सब कहियत बंधन कर्म। तो वेद के थापे जे धर्म है वो बंधन कर्म है, द्वै प्रकार है हरि की वाणी, वेद आदि ये भी हरि की वाणी, हरि के ही शब्द हैं, और श्रीमद भागवत जी हैं ये भी हरि के हैं। एक वेद एक भागवत बखानी, लेकिन वेद के थापे जे धर्म ते सब कहियत बंधन कर्म, वेद के कही भाई जो धर्म है महाराज बोले ये बंधन कर्म बंधन। हरि के चरणों मनन रति न होके स्वर्गादिक भोगों में आस्था हो जाती, वेद के वदित शोभायुक्त वचनों सकाम कर। वेद कही हरि वाणी फूली, तामे जीव रहे सब भूली। वेद ने जैसे हसी हसी में कछु कह दे कोई, ऐसे हरि वाणी फूली
सत्ता में जीव रहे सब भूली। अब जी भाई यू तो ठाकुर जी के वचन है, वेद भी तो ब्रह्मा जी के वचन है, कौन के वचन है, ऐसे करके तो भाई में भूल जाए। बिना विवेक न समझी जाई, कामी कर्म रहे अरुजाई। वेद को जब निदान करेंगे ढंग से का विज्ञ से तब आपको विशेष भाव समझ में आवे, लेकिन ऊपर ऊपर ते समझ लें। इसलिए हरि के चरणों में अनन्य भाव न बन पाओ, जहां सलल बात है और नाना प्रकार क्षुद्र देवताओं के उपासना उनमें मन चलो जाए सकाम में सकामता में। इसलिए वेद के थापे जे हैं धर्म ते सब कहियत बंधन कर्म, इसलिए बंधन कर्म बताया वेद के थापे जो धर्म है। इसलिए स्वामी जी यानी श्री भगवान कृष्ण जी ने कह दिया सर्व धर्मान परित्यज्य, इन्हीं धर्मों को छोड़ने की तो कहा है कि सभी धर्मन को छोड़ दे जो वेद बदते हैं, मामे कम शरण में केवल सब धर्म उनको छोड़ के मेरी शरण आ जाए, उन्हीं को तो छोड़ने के लिए कहा है। ये विवेक की बात है, भगवान कह रहे हैं छोड़ो उनको। बिना विवेक न समझी जाए, कामी कर्म रहे अरुझाई। स्वर्ग भोग सो जे हैं रांचे, हरि के वचन न मानत सांचे। जो स्वर्गादिक के भोगों में रचे हुए हैं उनके कि भाई स्वर्ग में ऐसे भोग हैं, नाना प्रकार के कल्प रखे वहां ऐसे सुख हैं, वेद में सब वर्णित है, वहां में मन चलो जावे है ऐसे करो कर्मकांड करो ऐसे नाना प्रकार की क्रियाएं करो, उनने कर भी लग जाए। हरि की निष्काम भाव भक्ति भावना या न कर पाओ सकामता में, तो बिना तो स्वर्ग भोग सो जे हैं रांचे, हरि के वचन न मानत सांचे। तो स्वर्ग भोगों में जिनका मन रच जाता है वेद बदित शब्दों में शोभायुक्त शब्दों में, तो हरि के वचन जो निष्काम भाव से निष्प्रय भाव से अनन्य भाव से श्रीमद् भागवत जी और गीता जी कह रही हैं उनमें मन नहीं रच पाता है, उसमें फंस जाता है, वो संसार का अधिकांश उसी में फंसा हुआ है। कौन कौन विरलो एक कोटिन में भगवत भक्त शुद्ध जन विषय है ये। वेद के कहे कर्म जी करत छीन पुण्य फिर भू पर गिरत। महाराज बोले सुन लो समझ लो, वेद के कहे कर्म जो तुम करोगे ये तो वेद में लिखा हुआ है, याति बड़ों का है ऐसे कह दे रहे हैं, तो छीन पुण्य फिर भू पर बार बार जन्म नो मरनो तुम्हारो बनो ही रहेगो, कबो तुमको पूर्ण प्रेम पूर्ण शांति ना मिल सके, तुम भूखे के भूखे बने ही रहोगे, जन्म मरण में बने ही रहोगी। छीन पुण्य फिर भू पर गिरत, गीताजी में छूने पुण्य मृतलोकम विषम। अर्जुन के ते धर्म छुड़ाए, गीता में श्री कृष्ण बताए। अर्जुन के यही धर्म तो छुड़ाए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने गीता में बताए हैं, सर्व धर्मान पर माम एकम शरणम ब्रज, आम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामी मास चरण, मन मना भव मदवक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिषी सत्यम ते प्रज्ञाने भी अस्मि। स्वामी जी महाराज की जय। तो यात्री का नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत, स्थितो अश्मि गत संदेह कृष्ये वसनं तव। मेरा सारा संशय नष्ट हो गया प्रभु, अब आप जैसे कहोगे वैसे करूंगा। गीताजी में अंत में कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं मेरा सारा संशय कृष्ये वसनं, अब जैसे तुम कहोगे वैसे करूंगा, मेरा सारा संशय निवारण हो गया। इस तरीके से प्रेमी जनों संशय निवारण होना चाहिए। संशय अर्जुन को भी था, अर्जुन ने कहा सब धर्मन को छोड़ दे, वेद के बदित जो धर्म है वेद द्वारा मैं जो कहूं शरणागति अनन्य शरणागति स्वीकार कर लो। ऐसे ही प्रेमी जनों स्वामी जी की अनन्य शरणागति स्वीकार कर लो, घबराओ मत,
चिंता मत करो, डरो मत। शेरदास, सर्व धर्म तज शरण मम आवो, सर्व पाप तज मुक्ति ध्यावो। सभी धर्म को छोड़ के मेरी शरण आ, और सर्व पाप को तज के और परम सुख को प्राप्त हो गए वो। कर्म धर्म करत परत जे चूक, ताए मार जम करे जो जो है तू। पूजा विलास में श्री रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म धर्म करते कराते कोई सही तरीका से बन जाए तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाए। अगर चूक पड़ जाए तो फिर जो कि तो कुछ नहीं, ऐसे ऐसे फिर जो कि तो रह जाते हैं। लेकिन हरि भक्ति में चूक भी पड़ जाए, कैसे है, श्याम को हो भक्त अपराधी, हरितारण को फेंट जो बांधी। कोई अपराध भी हो गया, कोई गलती भी हो गई, लेकिन हरि कहते हैं मेरी शरणागत हो गया है, नमे भक्त प्रणश्यति, मैं या को डूबने नहीं दूंगा। लेकिन यमराज जी जो है जमकर मार दुटू उनको दो टुकड़ा कर देते हैं, उनको सहन नहीं, स्वीकार नहीं करते हैं। जो चूक पड़ गई तो उनको फिर स्वर्ग आदि के वो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भक्ति करने वाले को अगर गलती भी हो जाए, ठाकुर उस गलती को भी सुधार लेते हैं और अपनी शरण में भी ले लेते हैं, ऐसे दयालु कृपा। कहते हैं मेरो भक्त श्याम को हो भक्त अपराधी, तो हरि तारण को फेंट जुगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शास्त्र शांति गच्छति, कौन ते प्रति जानी हो, नमे भक्त प्रण शक्ति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। ये अर्जुन सत्य समझ गया, मेरो भक्त नाश नहीं जाए, श्री भगवान जो कही बजाए। बजा बजा के ढोल बजा बजा के भगवान कह रहे हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अगर एक जन्म लेना करना पड़ जाए, पूर्ण तरीके से मन नहीं लगाए, लेकिन भक्ति में लग गया, ढंग से इन्होंने भक्ति को पकड़ लिया, तुम्हें नाश नहीं होने दूंगा। बोलो स्वामी जी महाराज, वैष्णव हो संकल्प गाय जम के दूत ताहे ले जाए। ये ध्यान रखना, वैष्णवता और फिर संकल्प को कर रहे हैं, संकल्प को सकाम कर्मों को कर्मकांड को नाना प्रकार के झूठ माट वैष्णव हो गए, हम तो वैष्णव पंची ले ले, उससे फिर कुछ नहीं हो रहा है। महाराज बोले जम के दूध ताए ले जाए, वैष्णव हो संकल्प है गाय। जमपुर एक नदी बेतरनी, गौ की पुछ तहां है धरनी। यहां से जाता है जी, बाकी दशा बता रहे हैं। जमपुर एक नदी बेतरनी नदी है, गौ की पुछता है धरनी, गौ सेवा करी हो वाने, ऐसी कछु दान पुण्य करी हो, तो गौ जो है पूछ, गौ की पूछ पकड़ के बाद पार हो जाए, और नहीं तो फिर नदी उतर भये जब पार, ठाड़े करे जमके दरबार। तो वहां फिर नदी उतर के फिर पार होते हैं जैसे तैसे करके, फिर यम के दरबार में। तने देख धर्मराज हसे, तुम क्यों आन फिर हसे। तो अनेक प्रकार से ये विवरण है। तो धर्मराज जी उनको देखकर हंसते हैं कि भाई तुम यहां कैसे आन फंसे, तुमको मनुष्य जन्म दियो भारत भूमि दई। कि तने देख धर्मराज हसे, तुम क्यों आन फिरे तो फंसे, तुम क्यों यहां आके फंसे हमारे पास। ये मनुष्य जन्म दिया, हरि की शरण जब है तुम लीनो, कागज छेक तुम्हारो दीनो। मनुष्य जन्म भारत भूमि और ब्रजमंडल और ये सब ऐसी सोच बनी, वृंदावन धाम ये सब मिला तुमको, और जब तुमने शरणागति स्वीकार करी, गुरु शरणापन्न भये, कंठी संस्कार भयो, तो उसी समय हमने तुम्हारा कागज छेक दिया, तुम्हारी फाइल यहां से हटा दी कि ये तो जो हरि के दास हो गए, भजन करेंगे, साधना करेंगे, और अब तो हम भी इनके लिए प्रणाम करेंगे, ये तो हमारे भी पूज्य हो गए। लेकिन तुमने गुरुओं का कहना नहीं माना, उनका रास्ता नहीं अपनाया और भटक गए। तो अनन्य होए हरि भक्ति न करी, कर्मठ बुद्धि तुमरी नहीं टरी। तुमने अनन्य है कि हरि भक्ति नहीं करी और तुम्हारी कर्मठ बुद्धि नहीं करी।
अब इसका प्रणाम क्या भोगोगे? अब तुम जाए भुगतो संसार, जाको कछु न बारा पार। अब तुम जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़े रहो, इसका बारा पार नहीं है संसार का। मुश्किल से तो 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य जन्म मिला, फिर जाओ। तो यमराज जी बड़े दुखी होते हैं और हंसते भी हैं इन अनभिज्ञ लोगों को देख देख के। ठाकुर ने कैसी कृपा करी, मनुष्य जन्म दिया, भारत भूमि दी, फिर जो है जो हरि की शुद्ध भक्ति अनन्य भक्ति न करने के कारण फिर बेकार हो गई। जो हरि को तू दास है, तो यहां श्री रसिक देव जी महाराज ने बतायो। अब स्वामी श्री ललकिशोर देव जी महाराज के शब्दों में सुनो, जो तू हरि को दास है तो हरि को आराध, और जिते देवी देवा तेने न भूले साथ। तू अगर हरि को दास है तो हरि को अनन्य भाव से आराधना करा, जितने भी देवी देवता है भूल के भी उनकी साधना मत करियो, ऐसे महाराज बोले। ये अनन्यता जानिए अपने इष्ट से, और आराधन जो करे तो व्यवचारिणी की गति ले। यही अनन्य भाव है कि अपने इष्ट की आराधना करे, और कुछ आराधना करोगे तो व्यवचारिणी की गति मिलेगी। जैसे व्यवचारिणी स्त्री को गति प्राप्त होती है, ऐसे तुम्हारा रास्ता भी खराब हो जाएगा अगर अनन्य भक्ति नहीं करी। जन्म मरण जासो गयो सोई साचो इष्ट, देवी देवा थिर नहीं तू क्यों भरमत दृष्ट। जन्म मरण का फंदा जिसके सेवन से, भजन से, साधना से दूर हो जाता है, वही सांचे इष्ट है, और देवी देवता स्थिर रहने वाली नहीं है, तू इनके पीछे क्यों पड़ रहो, ये अपने आप में ही सुखी नहीं है, ऐसे महाराज बोले। पूजे देवी देवता छाड़े हरि गुरु संत, देवी देवता की पूजा कर रहे है और हरि गुरु संत इनको छाण के इनकी महिमा नहीं समझ रहा है। तन मन राचे झूठ सो तिनके दुख है अनंत, तेरा तन और मन सब झूठ झूठ में रचो, ये झूठे हैं। सीधे सीधे श्री लक्ष्मीदेव जी महाराज के, ये झूठे हैं सब देवी देवता, ये सांचे नहीं है, सांची हरि की भक्ति। तन मन राचे झूठ में, झूठ सो तिनके दुख है अनंत, तेरे दुखन को अंत नहीं होगा, तू मान जा हमारी कही, मान जा इनके पीछे मत पड़। जे हैं हरि के आश्रय तिनको विघन न कोई, और जिन हरि सो दूजी करी आत्मघाती सो। जो हरि के आश्रय हैं उनको कोई विघन नहीं आता है, स्वामी जी के चरणों में, व्यास जी के चरणों में अनन्यरति नहीं है। भगवान कृष्ण के आश्रय हो जाओ, भगवान राम के आश्रय हो जाओ, अनन्य भाव से बिड़ा पार हो जाएगा। और स्वामी जी व्यास जी के आश्रय हो गए, ओहो कहना ही क्या है, कहना ही क्या है। ऋषिकनन ने कहा है वो तो वाह बिहारी दास, तो जे हैं हरि के आश्रय तिनको विघन न को, और जिन हरिसों दूजी करी आत्मघाती सोई। जिन्होंने हरिसों दूजी, जैसे महाराज कह रहे हैं श्याम कहते ही जी मोते विमुख हुए, जिन दूसरी कर डारी, दूसरी कौन, यज्ञ देवता पितरन को श्रद्धा भारी, दूसरी बात में पड़ गए तो तुम विमुख हो हमसे, हरि कहते हैं। आत्मघाती सूर, उसको आत्मघाती बताया जो हरि की उपासना छोड़ के क्षुद्र देवताओं की उपासना पड़ जाता है, उनकी उपासना उनको आत्मघाती बताया। अपने पति को छाण के और उनको मन दीन, सब ही माने एक कर गन का घी गतलीन। अपने पति को छाण के जो औरों में मन देती है जो स्त्री, उसको गणिका कहते हैं, और उसको महादंड प्राप्त होता है। गणिका की गतलीन, गणिका की गतलीन ते लोक और परलोक नशाए, यहां भी उसकी प्रशंसा नहीं निंदा होती है, और परलोक में भी उसको जो है दंडित किया जाता है। लोक परलोक नशाए, ऐसे ही हरिगुरु को भेटे नहीं जन्म जन्म पछताए। उसी प्रकार व्यवचार मत को, शलल्य मत को स्वीकार करने से अनन्य व्रत नहीं धारण किया, और नाना प्रकार की क्षुद्र देवताओं की उपासना करी, सलल भाव में रहा, तो वही गति उपासक की होती है। तो हरि गुरु को भेटे नहीं जन्म जन्म पछताए, हरि गुरु को भेटता नहीं यानी हरि गुरु के धाम प्राप्त नहीं होते हैं, जन्म जन्म उसको पछताना पड़ता है अनन्य भाव के बिना।
जप तप पूजा नेम व्रत जोग यज्ञ आचार। ये कोने कहो, स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं या भगवत ऋषि देव जी महाराज कह रहे हैं कि जप तप पूजा नेम व्रत जोग यज्ञ आचार भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। जप तप नेम व्रत जोग यज्ञ आचार जितने भी हैं, अगर अनन्य भक्ति नहीं है हरि की तो जीव भ्रमत संसार। कुछ भी उपाय कर लो, संसार में भ्रमना, बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़े। स्वामी जी महाराज या तरीके से श्री स्वामी ध्यानेन्द्र जी महाराज, श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज, श्री रसिक देव जी महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज, नागर देव जी महाराज और समस्त आचार्य ग्रंथ स्वामी जी महाराज, श्री गीता जी, भागवत जी, सब एक स्वर से बोल रहे हैं अनन्य भाव के ऊपर। हे प्रेमी जनों, तुम तो स्वामी जी महाराज की लाडली हो, दास हो, किसी भी स्थिति में अपने मन को नहीं भुलाना है। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनशो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। पावती राग द्वेष नहीं करना है, अपने इष्ट के चरणों में भाव रखना है, उत्तम कुल की पतिव्रता पर। स्वामी जी महाराज।